देखिए, एक तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो धर्मसभा आज अयोध्या में आयोजित है, ये देश के साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित है। और विश्व हिंदू परिषद या साधु संत लगातार अयोध्या में एक राम जन्म भूमि पे एक राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, और लगातार उन्होंने इस बात का एक संघर्ष भी किया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 तारीख को अक्टूबर की डेट लगाई थी। लोगों को इस बात का विश्वास था और कहा भी था कि डे टू डे हियरिंग करके, सुनवाई करके इसका फैसला होगा। तो देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई राम जन्मभूमि की आस्था को लेकर के और लोगों को फैसले की उम्मीद थी। फिर 29 अक्टूबर को एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया कि अब हम जनवरी में इसको सुनेंगे और तब तारीख लगाएंगे कि हम कब सुनवाई करेंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर तमाम फैसले कोई जब डिले होगा तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर कोई न्याय देर से मिलता है तो वो न्याय न्याय नहीं होता है। तो एक तरह से ये अगर अयोध्या में देश के साधु संत या आस्था करोड़ों लोगों की जो आस्था है, अगर वहाँ पे धर्मसभा आयोजित है तो ये एक तरह से उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। और किसी भी देश में आस्था और विश्वास और कम से कम जो करोड़ों लोगों का है, तो मुझे लगता है कि इस पे विचार किया जाना चाहिए और इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं और कहते हैं 2019 तक राम जन्मभूमि के विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय स्थगित कर दे। तो इससे साफ है कि अगर इस देश में राम मंदिर के निर्माण में कोई अवरोध है, राम मंदिर का निर्माण कोई अगर नहीं करने देना चाहता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है।